जय हिंद फ्रेंड्स, मैं ललित गुप्ता लिविंग होम्स। आज मैं आपके लिए 2 BHK फ्लैट कनकिया बेवल्ली पार्क नियर बाय सिनेमैक्स, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपका सिनेमैक्स है। 2 BHK फ्लैट है, 6 फ्लोर की बिल्डिंग है, OC-RC बिल्डिंग है, लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है। 2 BHK का जो फ्लैट है 636 का कारपेट एरिया है। अभी मैं सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में हूँ। जैसा आपने एलिवेशन देखा, यहाँ पे पार्किंग की जगह है। जैसा आप देख रहे हैं, यहीं पे आपको कार पार्किंग मिल जाएगी। कॉम्प्लेक्स में ये ओपन स्पेस रहने वाला है। अभी मैं एंट्रेंस लॉबी आपको दिखाने वाला हूँ जिस बिल्डिंग का, जो रेडी टू मूव इन OC-RC बिल्डिंग। गैस पाइपलाइन आ चुका है, MBMC वाटर आ चुका है, 24/7 वाटर सप्लाई है। ये एंट्रेंस लॉबी रहने वाली है। एक फ्लोर पे सिर्फ 3 ही फ्लैट हैं, लो डेंसिटी वाला प्रोजेक्ट है। और 3 फ्लैट के पीछे डेवलपर ने 2 लिफ्ट दिया है। एक लिफ्ट यहाँ पे है, ये भी आपकी ऑपरेशनल में है। सेकेंड लिफ्ट यहाँ पे है, तो 2 लिफ्ट है। एंट्रेंस लॉबी काफ़ी अच्छा है, रेडी टू मूव इन OC-RC बिल्डिंग, नए कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग में। अगर आप फ्लैट देख रहे हो तो एक बार हम सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं, एक्चुअल फ्लैट देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अब हम आ चुके हैं अपने 2 BHK फ्लैट के अंदर, जिसका कारपेट है 636 का कारपेट एरिया है। जैसे हम इंटर करेंगे, इसका लेआउट बड़ा डिफरेंट है बॉस। शायद ही आपने ऐसा लेआउट मीरा रोड, कनकिया बेवल्ली पार्क, नियर बाई सिनेमैक्स के पास, OC-RC बिल्डिंग और लो डेंसिटी वाले प्रोजेक्ट में देखा होगा। प्रॉपर लिविंग एरिया स्क्वायर में आपको जैसा दिख रहा है, एक्चुअल फ्लैट है। सेकेंड फ्लोर पे सिंगल यूनिट अवेलेबल है। अगर आप रेडी टू मूव इन देख रहे हैं, इसमें आपको प्रॉपर बालकनी मिल जाएगी। यहाँ से पूरा ओपन व्यू आपको मिलेगा, रोड फेसिंग जैसा आप देख रहे हैं। जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे कॉमन बाथरूम आ जाएगा। कॉमन बाथरूम के अंदर लाइटिंग लगना बाकी है, सारे ब्रांडेड आउटलेट फिटिंग है, 24/7 वाटर सप्लाई है, लॉफ्ट टैंक नहीं है। वाटर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी है। लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है, तो इसमें वाटर का दिक्कत कभी नहीं आएगी। कार पार्किंग यहाँ पे फ्लैट के साथ आपको रिजर्व कार पार्किंग मिलने वाला है। किचन की साइज आप देख सकते हो, स्पेशियस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख लेना आप, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर रख लेना, ये आपका 2 पैरेलल फ्लोर आ जाएंगे। कॉमन बेडरूम की साइज आप डेडिकेट कर सकते हो अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि साइज काफी स्पेशियस है। ऐसा नहीं है बच्चों के लिए छोटा बेडरूम बना दिया है, कुछ भी नहीं। मास्टर बेडरूम के इतना बराबर ये कॉमन बेडरूम है, आप अपने पेरेंट्स को डेडिकेट कर सकते हो। मास्टर बेडरूम में इंटर करते ही पहले आप मास्टर टॉयलेट देख लीजिए। यहाँ पे भी लॉफ्ट टैंक नहीं है। लो डेंसिटी छोटी सोसाइटी में रहने का फायदा यही होता है कि वाटर सप्लाई आपकी प्रॉपर बनी रहेगी, कार पार्किंग की दिक्कत नहीं आएगी, और सोसाइटी में बहुत कम लोग रहेंगे। जब कम लोग रहेंगे तो सुकून और शांति ज़्यादा रहती है। मास्टर बेडरूम की जो साइज है 9x14 यानी 9x14 का सिर्फ मास्टर बेडरूम एरिया है। आप देख सकते हो कितना स्पेशियस है। यहाँ पे फुल साइज का आप वार्डरोब बना लेना, इतना बड़ा किंग साइज का बेड रख लेना तो भी छोटा नहीं आएगा। ऐसा कुछ देखना चाहते हो कनकिया बेवल्ली पार्क में, और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हैं और न्यू कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग में ढूंढ रहे हैं, तो ये फ्लैट आप देख सकते हैं। प्राइस के लिए मुझे कॉल करें, बाकी डिटेल के लिए आप गुप्ता जी मीरा रोड वाले को कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।